देवास में 10 वार्ड जिला पंचायत के वार्ड के चुनाव में 8 हम जीते हैं, एक वो भी हमारे साथी है और एकमात्र बीजेपी का जीता है। तो ये जो परिणाम आए हैं जिला पंचायत सदस्यों के, निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में है और निश्चित रूप से सीहोर में भी, देवास में आसपास के सारे जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस के बनेंगे। आज ये है कि क्यों परिणाम यह है, जनता हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहती है, लेकिन जब से ईवीएम मशीन से चुनाव कराना चालू किए गए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के द्वारा दबाव डाल के, जिन विश्व के उन तमाम देशों में ईवीएम मशीन को नकार दिया गया, चाहे जर्मन हो, फ्रांस हो, जापान हो, लेकिन भारत में ईवीएम में कलाकारी का नुस्खा बोले अपन नुस्खा बोलते हैं वो मोदी जी के हाथ में है, वो कलाकारी की राजनीति से ईवीएम मशीन का बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं कई वर्षों के बाद जिला पंचायत के। तो ये सुखद परिणाम जो आए हैं, हम तो कांग्रेस के लोग कब से मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही सारे चुनाव कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश के उन ग्रामीण मतदाताओं को कि आपने बैलेट पेपर के माध्यम से कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुना है। तो हमारी यही पुरजोर मांग है पूरे देश के चुनावों के संदर्भ में कि सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराइए माननीय मोदी जी, बेईमानी मत करिए, ईमानदारी से लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप और हम मिलकर तैयार रहें। कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बाहुबल पे अब विश्वास नहीं रहा। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एक मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एक मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एक मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। देवास में 10 वार्ड जिला पंचायत के वार्ड के चुनाव में 8 हम जीते हैं, एक वो भी हमारे साथी है और एकमात्र बीजेपी का जीता है। तो ये जो परिणाम आए हैं जिला पंचायत सदस्यों के, निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में है और निश्चित रूप से सीहोर में भी, देवास में आसपास के सारे जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस के बनेंगे। आज ये है कि क्यों परिणाम यह है, जनता हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहती है, लेकिन जब से ईवीएम मशीन से चुनाव कराना चालू किए गए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के द्वारा दबाव डाल के, जिन विश्व के उन तमाम देशों में ईवीएम मशीन को नकार दिया गया, चाहे जर्मन हो, फ्रांस हो, जापान हो, लेकिन भारत में ईवीएम में कलाकारी का नुस्खा बोले अपन नुस्खा बोलते हैं वो मोदी जी के हाथ में है, वो कलाकारी की राजनीति से ईवीएम मशीन का बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं कई वर्षों के बाद जिला पंचायत के। तो ये सुखद परिणाम जो आए हैं, हम तो कांग्रेस के लोग कब से मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही सारे चुनाव कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश के उन ग्रामीण मतदाताओं को कि आपने बैलेट पेपर के माध्यम से कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुना है। तो हमारी यही पुरजोर मांग है पूरे देश के चुनावों के संदर्भ में कि सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराइए माननीय मोदी जी, बेईमानी मत करिए, ईमानदारी से लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप और हम मिलकर तैयार रहें। कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बाहुबल पे अब विश्वास नहीं रहा। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एक मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एक मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एक मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।